हेलो एवरीवन, मैं हूँ फरहीन और आप लोग देख रहे हैं फरहीन क्लासेस। पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे हम लोग और आज इस वीडियो का है थर्ड पार्ट। दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है उसे तो ज़रूर देख लीजिए और साथ ही फरहीन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और साथ ही दूसरे सारे एग्ज़ाम से जुड़े इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेम्बर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना रही थी उसके मेंबर कौन नहीं थे इन चार ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी कृष्णस्वामी अय्यर या ऑप्शन डी एम के गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, गांधी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोर्स। प्रीएम्बल से जुड़े चार आपको स्टेटमेंट मिले हैं, यहाँ पर इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाई पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल। हाँ, ये बिल्कुल सही है, नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बाद में वही बन जाता है हमारा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर। यस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, प्रीएम्बल जो है वो जस्टिशिएबल नहीं है। थर्ड, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज प्रीएम्बल को एक बार 42nd अमेंडमेंट के जरिए अमेंड किया गया था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है दैट द प्रीएम्बल जो है ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो इस तरह से स्टेटमेंट वन टू एंड फोर बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंगली आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रीएम्बल जिसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसमें कौन से टर्म्स शामिल नहीं थे। ओके, फर्स्ट सोशलिस्ट, सेकेंड सेक्युलर, थर्ड इंटीग्रिटी या फोर्थ रिपब्लिक। यहाँ पर से आपको इस कोड में से चुनना है। सो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जो है ये इनिशियली प्रीएम्बल में नहीं था, इसे ऐड किया गया था बाय दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, तो चूँकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिड नॉट इंक्लूड द टर्म, तो यहाँ होगा आंसर रिपब्लिक, ठीक, सॉरी सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, दीज थ्री टर्म्स वेयर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल विच वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो 1, 2, 3 देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ओके, बिकॉज रिपब्लिक जो है वो उस वक्त प्रीएम्बल में था जब इसे इनिशियली ओरिजिनली जब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं था, नेगेटिव में पूछा जा रहा है, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, ठीक है, ये बताना है कौन मेंबर थे। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या सरदार पटेल। राइट आंसर इज सी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ही वॉज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये याद रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, बी आर अम्बेडकर तो थे ही इसके चेयरमैन, साथ ही एन गोपाल स्वामी अय्यर अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव एंड टी टी कृष्णम्मा आचार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब प्रीएम्बल का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे दूसरे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर या अच्छे सारे फीचर्स को बोरो करके और उसे ऐड और मॉडिफाई करके ऐड करके ही बनाया गया है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग देखेंगे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ढूंढेंगे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मेनली सोर्स के बारे में कि प्रीएम्बल को कहाँ से बोरो किया गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन है इटली, कनाडा, फ्रांस या यूएस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रीएम्बल का आइडिया लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स,
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपेयर्स इन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल टर्म कहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रीएम्बल में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 में, या कहीं पर भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये टर्म फेडरल कहीं पर भी नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि अगर हम लोग फीचर्स देखते हैं तो बहुत सारे फेडरल फीचर्स को ऐड किया गया है, लेकिन ये टर्म कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर्स इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो। अब ये इंडिया का फेडरल, जैसे कि मैंने कहा कि फेडरल जो फीचर्स है वो तो डाले ही गए हैं, तो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर बना है वो कौन से कंट्री के मॉडल से इंस्पायर होकर बना है। ऑप्शन ए यूएस, कैनेडा, सी है स्विट्जरलैंड, या डी है रशिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैनेडियन मॉडल से इंस्पायर होकर इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया हैज़ बोरोड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, यूके, यूएस, रशिया, या फिर आयरलैंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूएस। यूएस से ही फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट को बोरो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब ये फ्रेज जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, या फिर कैनेडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में ये फ्रेज डाला गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी है इसका सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से लिया गया इसे, कॉन्स्टिट्यूशन में ही, या फिर ओपिनियन ऑफ द जुरिस्ट, या सी इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन, या डी पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स। करेक्ट आंसर होगा बी, ओपिनियन ऑफ जुरिस्ट, जजेस के ओपिनियंस और मेनली जजमेंट, यही सोर्स है बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी का। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।